हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 34 आवेदकों को ऋण देने के लिए चयनित किया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को नगरपालिका कार्यक्रम में टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। पालिका कार्यालय में मिशन के तहत जरूरतमंदों को आजीविका के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बैंक प्रतिनिधियों व NULM के सानिध्य में साक्षात्कार लिया गया। पालिका कार्यालय में बड़ी संख्या में ऋण देने वाले पहुँचे, जिससे मेले जैसी स्थिति नजर आई। पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य ने बताया कि स्वरोजगार के लिए 2 लाख के ऋण के लिए कुल 61 लोगों ने आवेदन किया था, जिन्हें आज साक्षात्कार की सूचना देकर पालिका कार्यालय बुलाया गया था, जहां NULM एवं शहर के विभिन्न बैंक प्रतिनिधियों ने सभी 61 में से उपस्थित 51 आवेदकों से ऋण देने संबंधित सवाल जवाब कर कारण जाने व उन्हें इस ऋण से मिलने वाले फायदों के बारे में उनसे जाना। करीब 2 घंटे तक चले आवेदकों के साक्षात्कार के बाद कुल 34 व्यक्तियों के ऋण स्वीकृत किए गए एवं 17 आवेदनकर्ताओं के आवेदन निरस्त किए गए, जबकि 10 आवेदनकर्ताओं के अनुपस्थित रहने की वजह से उन पर विचार नहीं किया। उक्त आवेदन पत्रों को आगामी बैठक में रखने जाने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से लोगों के काम धंधे चौपट हो चुके हैं, अब उन्हें अपना नया व्यापार शुरू करने के लिए ऋण की जरूरत है, जिससे पालिका बैंकों के माध्यम से उन्हें ऋण उपलब्ध करवाकर इनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायता कर रही है। बैठक में विभिन्न बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि के साथ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य, NULM प्रबंधक देवेंद्र सिंह, कनिष्ठ सहायक रंजीत सिंह मीना व CEO भरत कुमार राठौड़ उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की सुमेरपुर से शंभूलाल परमार की रिपोर्ट।